हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग गैप। आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी चीज़ का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब देखो क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? तो किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें किसी भी कंपाउंड में किसी एटम एलिमेंट का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ जरूरी पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है वो पॉइंट्स, एक एक करके पढ़ते हैं उनके बारे में। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट है एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड। एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें HBrO, HBrO में ब्रोमाइन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। HBrO में ब्रोमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है। एंड HBrO2 में ब्रोमाइन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। कितनी है? +3। ये ना HBrO2, इसे हम बोलते हैं ब्रोमस एसिड। क्या बोलते हैं? ब्रोमस एसिड। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। अच्छा, ब्रोमिक एसिड HBrO3, इसे बोलते हैं ब्रोमिक एसिड, तो इसमें ब्रोमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। और HBrO4 पर ब्रोमिक एसिड, इसमें ब्रोमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ब्रोमाइन जो है वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं जीरो रूल। क्या बोलेंगे? जीरो रूल, ठीक है। देखिए क्या होता है इस रूल में, क्या होगा इस रूल में, जीरो रूल में सबसे पहला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एंड अनकंबाइंड एलिमेंट इज जीरो। कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है, मतलब अनकम्बाइंड स्टेट में है, सिंपल है, जैसे हीलियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, सिंपल अनकम्बाइंड स्टेट में है, फ्री है, मतलब He2 की फॉर्म में तो नहीं है ना, Na2 की फॉर्म में तो नहीं है, Al2 की फॉर्म में तो नहीं है, तो सिंपल फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में, अनकम्बाइंड फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो। सोडियम का कितना होगा? जीरो। एल्यूमिनियम का कितना होगा? जीरो। इसीलिए हम इसे जीरो रूल में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन होमोजीनस मॉलिक्यूल इज जीरो। होमोजीनस मतलब सेम टाइप के एलिमेंट से बने हो, जैसे H2 है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, तो एक होमोजीनस मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन अगर HCl की बात करें तो ये अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है, तो ये हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जहां पे भी होमोजीनस मॉलिक्यूल की बात होगी, H2O2, Cl2, F2, I2, S8, इस टाइप के मॉलिक्यूल की बात होगी, तो इनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इनका जीरो होगा। इस फर्स्ट फ्लोरिन का भी जीरो होगा और सेकंड वाले का भी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अगला पॉइंट इसका है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म इज जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म इज जीरो, कि जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। तो इनमें जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। अगर कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। अगर कार्बन डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनेट इज जीरो। मान लीजिए ऑक्सीडेशन, किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर वो मेटल कार्बोनेट में प्रेजेंट है, अगर कोई मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, देखिए निकल कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट इस तरह प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेटल क्या है? निकल, आयरन, क्रोमियम। तो इस केस में जो ये मेटल होता है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम बोल सकते हैं मेटल कार्बोनेट में जो भी मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगला है कि एलोइस,
सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि एलॉय होता क्या है कि जब भी कोई मेटल मेटल के साथ या मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है और एक नया सब्सटेंस तैयार करता है उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो यहाँ पे देखिए सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, दोनों ही मेटल हैं तो इनका जो मिक्सचर होगा उसे हम बोलते हैं एलॉय। क्या बोलेंगे? एलॉय। तो किसी भी एलॉय में उसके एलिमेंट्स का, उसके कंपोनेंट्स मतलब उसके एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम अमलगम एक एलॉय है NaMg, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो होगा और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज -1। जो फ्लोरीन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हर एक कंपाउंड में वो -1 ही होगा, -1 के अलावा कुछ और नहीं होगा, ठीक है। ये किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा फ्लोरीन तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। इसीलिए इसको अलग से पॉइंट करके लिखा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज +1 and +2 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट का मतलब होता है एल्कली मेटल्स और सेकेंड का मतलब होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे इधर की तरफ जो ग्रुप होता है वो होता है एल्कली मेटल, उसके बगल वाला होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो +1 और +2 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ए का होता है +1 सब एलिमेंट्स के और सेकंड ए ग्रुप के सब एलिमेंट्स का होता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज +1। हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड, हाइड्रोजन जो है अपने मैक्सिमम कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है +1, ठीक है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? +1 का। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? आयोनिक हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन किसी हाइड्राइड में प्रेजेंट है, आयोनिक हाइड्राइड में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ मैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो आयोनिक हाइड्राइड है ये सारी, ठीक है। तो आयोनिक हाइड्राइड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ना होकर -1 होगा। कितना होगा? -1। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो +1 होता है, लेकिन अगर आयोनिक हाइड्राइड की बात की जाए, आयोनिक हाइड्राइड मतलब जिनमें प्लस या माइनस हो, Li+, H-, ठीक है, Na+, H-, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है +1 से -1 की, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके मैक्सिमम कंपाउंड्स में वो -2 होता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है और वो हमें ध्यान में रखनी है क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? देखिए दो एक्सेप्शन इसकी मेन है, एक है परोक्साइड की, एक है सुपरऑक्साइड की। अगर हाइड्रोजन कहीं परोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, H2O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन परोक्साइड की फॉर्म में, तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 ना होके -1 होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं ताकि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त गलती ना करें, ठीक है। अच्छा, सुपर ऑक्साइड O2-, ठीक है, सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1/2 होती है। कितनी होती है? -1/2। ओजोनॉइड्स के केस में O3- केस में -1/3 और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड केस में +2, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो एक तो ये रखना है परोक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड वाला ध्यान रखना है, ठीक है। यही हमारा मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर है ना उनका सम हमेशा जीरो होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है HCl, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है HCl, HCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा मान लेते हैं X और क्लोरीन का मान लेते हैं Y, ठीक है। तो इनका जो सम होगा वो हमेशा कितना लेना है? जीरो लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना हो, जैसे एग्जांपल देख लीजिए NO3-, ठीक है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो न्यूट्रल कहाँ से हो गया? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का मान लेते हैं X, ऑक्सीजन का मान लेते हैं Y, तो ये हो जाएगा 3Y क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तो ये जीरो नहीं होगा, ये हमेशा -1 होगा, ठीक है। जितना भी चार्ज होगा उसे लिख देना है, लेकिन अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर लिख देना है जीरो के, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स, अब इन्हीं रूल्स की मदद से हम कुछ एलिमेंट्स के, कुछ कंपाउंड्स में कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, एग्जांपल की तरह से सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है H
2SO4, ठीक है, एग्जाम्पल है H2SO4, हमें इसमें निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकालना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना उसको x मान लेते हैं, सल्फर को हमने मान लिया x जो हमें निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 1 × 2 कर दिया, प्लस सल्फर का x हो गया, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 × 4 ऑक्सीजन है, और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाता है, 0। तो ये इसे लिखेंगे 2 + x − 8 = 0, तो x − 6 = 0, तो x = 6, तो x = 6 यहाँ से हमारे पास आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है H3PO4, अगला क्वेश्चन है H3PO4, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसे x मान लिया, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 × 3, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन है, तो × 4 = सम कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + x − 8 = 0, तो x − 5 = 0, तो x = 5 + 5, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कंपाउंड है HClO4, ठीक है, HClO4 है, HClO4 का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन को x मान लिया, क्लोरीन का निकालना है ना हमने इसमें, तो ऑक्सीजन को −2 × 4 = 0, तो 1 + x − 8 = 0, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि x = +7, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। इस तरह से हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट के। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मेथड, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है। देखिए उस स्ट्रक्चर मेथड से हम कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, एक ट्राई करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में ट्राई करते हैं उसको। H2SO4 है जैसे यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी हम बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4। यहाँ पे इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आई +6, ठीक है। अगर हम इसे स्ट्रक्चर मेथड से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं H, ठीक है, यहाँ पे आ गई डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ आ गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1, कितनी होती है, +1, ठीक है, इसकी होती है +1, इसकी होती है -2, तो ये +1 और -2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम केस है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, इसकी होती है -2, तो ये +1 और -2, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, -1, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, इस वाले ऑक्सीजन की भी -2 हो जाएगी। अब देखिए H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना जाएगा, 0। ये 0 कब आएगा, जब यहाँ पर -1 है तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस है तो +1, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, और बैलेंस होके तभी तो न्यूट्रल आएगा। तो अगर इसे न्यूट्रल होना है तो सल्फर पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी पड़ेगी, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, तो सल्फर उस केस में +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है तो ही वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे भी तो हमने यही किया था, हमें पता था न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हमने सम कितना रखा था, 0। तो स्ट्रक्चर मेथड भी बहुत आसान है, ठीक है, इसे हमें आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं H3PO4 की। जैसे H3PO4 है, इसको भी एक बार हम स्ट्रक्चर मेथड से चेक करते हैं, ठीक है। H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पे ऑक्सीजन की -2, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएगी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +1, और यहाँ पे ऑक्सीजन की -2, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट, इफेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, -1। यहाँ पे भी +1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगी -1, और ये रहेगी हमारी -2, ठीक है।
तो अगर इसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जीरो आना चाहिए। तो जीरो कब आएगा, जब ये माइनस वन को प्लस वन बैलेंस करेगा, माइनस टू को प्लस टू, माइनस वन को प्लस वन और माइनस वन को प्लस वन। तो टू प्लस वन थ्री, प्लस वन फोर, प्लस वन फाइव। तो यहाँ पे फॉस्फोरस शो कर रहा है प्लस फाइव की ऑक्सीडेशन स्टेट और हमारा आंसर भी इतना ही आया था। तो ये हमारा एक तरफ है एल्जेब्रिक मेथड और एक तरफ हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रक्चर मेथड से। देखिए स्ट्रक्चर मेथड की बात हमने क्यों की, क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड जो है हमारा आगे जाके काफी यूज होने वाला है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, देखिए अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे H2SO5 का, H2SO5 का, इसे हम बोलते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, हाइड्रोजन की होती है वन, तो दो हाइड्रोजन है तो टू इंटू टू कर दिया, सल्फर की एक्स, ऑक्सीजन माइनस टू इंटू फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जाएगा टू प्लस एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एट। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आई ए, ठीक है। अब हम इसी को चेक करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड से, सॉरी स्ट्रक्चर मेथड से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर मेथड से देखिए कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा एच ओ, सल्फर एक है, ये हमारा हो गया पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का डायग्राम, ठीक है। इसे स्ट्रक्चर मेथड से जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे माइनस टू, तो इफेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे माइनस वन आ गई, ये होगी हमारे पास माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पे इफेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे माइनस वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री, कितनी आ जाएगी माइनस थ्री, ठीक है, सॉरी माइनस वन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन, ये माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगी माइनस वन, यहाँ पे आएगी माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू, तो ये माइनस टू है। अब क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर माइनस टू है तो सल्फर प्लस टू शो करेगा, इसके लिए यहाँ पे माइनस वन है सल्फर प्लस वन, यहाँ पे माइनस टू है सल्फर प्लस टू, यहाँ पे माइनस वन है सल्फर प्लस वन। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे टू प्लस टू फोर, प्लस वन फाइव, प्लस वन सिक्स, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है प्लस सिक्स, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि एल्जेब्रिक मेथड से तो हमारा आंसर आ रहा है एट प्लस एट, और स्ट्रक्चर मेथड से हमारा आंसर आ रहा है प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट नहीं होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी प्लस सिक्स। ये कैसे पता चला, बिकॉज किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। तो सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है, सल्फर का ग्रुप नंबर होता है सिक्स, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिक्स से ज्यादा कभी नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है एट। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि एट जो है ये इसका गलत आंसर है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा एल्जेब्रिक से आंसर गलत आ जाता है, ठीक है, तो हमें उस केस में स्ट्रक्चर मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे H2SO3 का, H2SO3 की, यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन निकालते हैं, एक हाइड्रोजन की एक, तो दो हाइड्रोजन की हो जाएगी प्लस टू, सल्फर की एक्स, तो दो सल्फर है तो इसकी हो जाएगी टू एक्स, एक ऑक्सीजन की माइनस टू इंटू थ्री ऑक्सीजन, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है प्लस टू, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर मेथड से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये है एच ओ, एच टू एस टू ओ थ्री है ना, एच ओ एस ओ एच,
ये हो जाएगा यहाँ पे सल्फर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन H2H2O3, ये हो गया हमारा H2H2O3 का डायग्राम। ठीक है, फिर से स्ट्रक्चर मेथड से इसकी निकालेंगे। हाइड्रोजन की होती है +1, हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 होती है, ऑक्सीजन की -2, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ पे सल्फर की कितनी होती है -2। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 -2, तो नेट कितनी हुई -1। तो क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने माइनस है उतने ही प्लस, तो -1 अगर यहाँ पे है तो सल्फर +1 सल्फर के साथ तभी तो बैलेंस होगा। अगर ये -1 तो सल्फर कितनी दिखाएगा +1, अब यहाँ पे -2 है तो सल्फर +2 इसको दिखाएगा, -1 है तो +1 और -2 है तो +2, तो 2 + 1 = 3 + 2 = 5 + 1 = 6। तो यहाँ पे जो सल्फर है ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +6 की, वही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है H2H2O3, बट एल्जेब्रिक मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2 और स्ट्रक्चर मेथड से आ रही है +6। तो इस केस में हमारी कौन सी सही होगी, उसकी इस केस में हमारी दोनों ही सही होगी, बिकॉज सल्फर जो होता है उसका जो ग्रुप नंबर होता है वो हमारे पास होता है 6, और ये दोनों ही 6 से छोटे हैं, तो इस केस में 2 भी सही है और 6 भी सही है। पिछले वाले केस में हमने 8 को इसलिए गलत किया था क्योंकि वो उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो इस केस में अगर ऑप्शन हमारे 2 हुआ और +2 या +6 हुआ तो हम +2 वाले पे नहीं, +2, +6 वाले पे टिक मारेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आ रही है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस कंपाउंड की कितनी होगी। ठीक है,